राजधानी देहरादून में प्रदेश के कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में औद्यानिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया। इस दौरान उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें कि बीते महीने कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर को जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैलेंडर का अनावरण किया। इसी क्रम में उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतवर्ष के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी औद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए कृषकों की आर्थिकी विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां हम 50,000 पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं, एप्पल मिशन में 800 करोड़ की व्यवस्था हमने की है, न्यूट्रिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। और अक्सर देखने में आता है कि बीज जो है किसान के प्राण होते हैं, पौध किसान के प्राण होते हैं, और बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले, और जिसकी वजह से मैं कहूं कि किसान की एक तरह से हत्या की हो जाती है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है किसानों को समय पर बीज मिले, समय पर पौध मिले। इसके लिए एनुअल वर्क कैलेंडर हमने आज जारी किया है।